नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। एक बार फिर से आप सभी का एनबी क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक करना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाने वाली है कि कैसे आप अपने वोटर आईडी कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है nvsp.in यानी नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको लॉगिन रजिस्टर का, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो पहले आपको इस पर लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है और इसके बाद एंटर ओटीपी के अंदर जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा उसे एंटर करके वेरीफाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, आई हैव एपिक नंबर, आई डोंट हैव एपिक नंबर। तो आई हैव एपिक नंबर पे क्लिक कर देना है। एपिक नंबर यानी आपका जो वोटर आईडी क्रमांक है वो आपके पास ऑलरेडी है, तो हम इसे लॉगिन किया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो एपिक नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपको एंटर कर देना है, ऑप्शनल है। अगर आप है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जो पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा वो कम से कम 6 कैरेक्टर का होगा और उसमें एक आपका डिजिट होना चाहिए। जो भी आप कैरेक्टर ए से जेड के अंदर डालेंगे उसमें एक अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपका इसमें होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट सक्सेसफुली आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है और अभी आपने जो यूज़र ने पासवर्ड क्रिएट किए हैं उसे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आप काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसमें आपको जो ऊपर से थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ऑरेंज कलर का, करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप उस पर सेल्फ में करेक्शन करना चाहते हैं या फैमिली के किसी कार्ड पे करेक्शन करना चाहते हैं। तो अगर आपने जिस एपिक नंबर से रजिस्टर किया है उसी पे करेक्शन करना है तो सेल्फ रहने दीजिए। आप किसी और एपिक नंबर पे, किसी और वोटर आईडी कार्ड पे करेक्शन करना चाहते हैं तो फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ पे आप सेलेक्ट रख लीजिए। तो सेल्फ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो ऊपर आप देख सकते हैं भाषा का चयन, यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, ये ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर दो कॉलम दिख रहे हैं नाम, एक तो बार आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और सेकेंड जो फील्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज आपको यानी कि हिंदी में आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये यहाँ पे फिल कर दीजिए। इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, साइड में कीबोर्ड बना हुआ है, यहाँ से इसको एंटर करके आपको नाम फिल कर देना है, अपना जो नाम है उसको हिंदी में लिख देना है। इसके बाद फॉर्म को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ टिक द एंट्री विच इज़ टू बी करेक्टेड, ये वाला ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बॉक्स मैंने जो हाईलाइट किया है, यहाँ से आप जो भी चीज़ इसमें करेक्ट करना चाहते हैं वो करेक्ट कर सकते हैं। नेम, एज या जो भी आप डिटेल्स, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको लास्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दीजिए और नीचे की तरफ आ जाइए। तो यहाँ पर आपको जेंडर भी फिल कर देना है, जेंडर का फील जो कॉलम है वो भी आपको ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं, दिखाई देने लगे हैं, ईमेल एड्रेस के और फ़ोन नंबर के। तो अब आपको अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद आगे प्रोसेस करना है। तो चलिए डिटेल्स फिल कर देते हैं। फॉर्म को फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे की तरफ, ब्लू लाइन के नीचे ये डिक्लेरेशन है। तब यहाँ पर आपको प्लेस में अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एंटर कर देना है, डेट ऑटोमेटिक पिक कर लीजिएगा, उसके बाद कैप्चा को फिल करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो चलिए डिटेल्स फिल कर देते हैं।
इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, जो डिटेल्स आपने अपडेट कराना चाहा वो डिटेल्स अपडेट हो चुकी हैं और आपका एक रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको मिल गया, इसे आप नोट कर सकते हैं। और जब भी आप इसे ट्रैक करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रैक स्टेटस वाला नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए, इस नंबर को कॉपी कर लीजिए जो आपका रेफरेंस नंबर है, ट्रैक स्टेटस पे जाइए और वो रेफरेंस आईडी जो हमने कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जो भी आपका जो एप्लीकेशन है किस प्रोग्रेस में है उसका जो स्टेटस रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। तो अभी यहाँ पे सबमिट किया तो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ये तीनों ऑप्शन आपके चारों ग्रीन हो जाएंगे तो आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।